सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो लास्ट के 15 टू 20 डेज हैं इनमें आप लैंग्वेजेस को कैसे पढ़ें ताकि आप भी मेरी तरह हर एक लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट में 85 प्लस स्कोर कर सकते हो। अब लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी। अब आप लोग बोलोगे कि प्रूफ किधर है कि मैंने खुद ने 85 प्लस स्कोर किया था, ये रहा प्रूफ। और हाँ, आप में से जो भी स्टूडेंट हमें फर्स्ट टाइम देख रहा है इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो फॉर सच अमेजिंग वीडियोस। एंड यस गाइस, इस वीडियो पे हम एम करते हैं पूरे 100 लाइक्स का, सो करवा देना। सो नाउ मूविंग ऑन टू द वीडियो, अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, दैट इज टेक लैंग्वेजेस सीरियसली। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि क्या हम 2 दिन पढ़ाई करके 90 प्लस ला सकते हैं। सीरियसली, 2 दिन पढ़ाई करके आप पासिंग मार्क्स जितने मार्क्स ला सकते हो, 90 प्लस नहीं। 90 प्लस लाने के लिए आपको उस लेवल की मेहनत भी करनी होगी और वो मेहनत करने का टाइम आ चुका है। आपको आज से जम के दिल लगा के मेहनत करनी होगी, मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करना होगा, उसी वजह से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। प्लस मैं आपको एक और बात बता दूं, SST, मैथ्स, साइंस बूस्टर परसेंटेज, मैं मानता हूँ कि आपके परसेंटेज को बूस्ट कर देते हैं, बट लैंग्वेजेस डिसाइड्स योर परसेंटेज। अगर आपको लैंग्वेजेस में अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपका परसेंटेज गिरने वाला है, इसलिए मेहनत करना चालू कर दो। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, दैट इज रिवाइज थरोली। अब आप सबको एक काम करना है, दैट इज आपका जितना भी स्टडी मटेरियल है, आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी नोटबुक, आपकी रेफरेंस बुक, वर्कबुक, जो भी है, सबको एक साथ लाओ और सबका रिवीजन चालू कर दो। आपका हर एक टॉपिक का रिवीजन होना चाहिए, खासकर ग्रामर का। आपको ग्रामर में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है क्योंकि वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपसे जितनी प्रैक्टिस हो सके आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है हर एक ग्रामर के सम की। अब सबसे बेस्ट थिंग जो कि आप कर सकते हो ग्रामर को प्रैक्टिस करने के लिए, दैट इज PYQs, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबको उठा के प्रैक्टिस करना चालू कर दो। जितना हो सके उतने प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करो। प्लस आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं, दैट इज नवनीत, 21 सेट, इन सब से आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो। उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, प्लस आप एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करके आ पाओगे। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। अब जो आपका पॉइंट नंबर 4 है वो आप तभी फॉलो कर सकते हो जब आपने पॉइंट नंबर 3 को अच्छे से किया होगा, डैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको एक चीज़ समझ में आएगी, डैट इज आपके वीक एरियाज। ऐसा कौन सा आपका वीक एरिया है जहाँ पे आप अटक रहे हो, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप उतने अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपके मार्क्स कट हो रहे हैं। आपको उस वीक एरिया को पहचानना है और उसके ऊपर काम करना चालू करना है। आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करना होगा। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे आप नहीं स्कोर कर पाओगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ शर्माओ मत। जितना हो सके आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करवा दो। प्लस आप जिस भी एरिया में वीक हो उसको ज़्यादा टाइम दो, उसको और अच्छे से प्रिपेयर करो। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, दैट इज मैनेज योर टाइम। अब टाइम कैसे मैनेज करना है मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो। अब अगर हम स्पेसिफिकली लैंग्वेजेस की बात करें, उसके लिए आपको डेली रिवीजन करना होगा, आपको लैंग्वेजेस को डेली पढ़ाई करनी होगी, आपके जो भी राइटिंग स्किल्स हैं उनको और अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। आपको हर एक लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट को अलग से एक टाइम देना होगा। प्लस राइटिंग स्किल को प्रैक्टिस करना भूल मत जाना, बिकॉज राइटिंग स्किल प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी से राइटिंग स्किल को प्रैक्टिस करके जा रहे हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही, प्लस राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करके आ पाओगे। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, डैट इज बी फेमिलियर विथ एग्जाम पैटर्न। अब मेरे केस में मुझे ये चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प की थी। मेरा एग्जाम पैटर्न इतना क्लियर हो चुका था कि वो मेरे माइंड में सेट हो गया था कि कौन सा क्वेश्चन कब आने वाला है, मुझे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देके सॉल्व करना है, और इसी वजह से मैं एग्जाम के अंदर कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से पेपर को सॉल्व करके आ पाया और रिजल्ट अब आपके सामने है। और हाँ, सबसे मेन चीज़, लैंग्वेजेस का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो कि बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में आपके प्रिपेयर किए हुए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और बहुत बार आपने कितनी भी प्रिपरेशन की हो एकदम डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ लेंगे। उसी वजह से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, हर एक टाइप के सम को सॉल्व करना है, प्लस अच्छे से अपना टाइम एलोकेट करना है, अपना टाइम मैनेज करते हुए चलना है, प्लस अभी से PYQs को, प्रैक्टिस पेपर्स को, रेफरेंस बुक के सम्स को सॉल्व करना चालू कर दो। लैंग्वेजेस को अच्छे से फॉलो करो। प्लस मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग लाने वाला हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्लस इन्फॉर्मेटिव होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।